अम्मा आज क्या बना रहे हो? आज मैं बना रही हूँ मूंगरे की चटनी। अच्छा। अमूमन हम खाते हैं हरी मिर्च, धनिए, पुदीना, इसकी चटनी खाते हैं, तो आज मूंगरे की बनाएंगे। मूंगरे जब मूली पक जाती है तो उसके ऊपर ये मूंगरे आने शुरू हो जाते हैं, अच्छा। तो मूंगरे की चटनी बहुत ही लाभदायक है। ये एपिटाइजर का काम भी करती है, भूख भी लगाती है, और वैसे भी चटपटी और अच्छी होती है, तो हम पूरी, पराठे, पुलाव किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आधा कप मूंगरे लिए हैं, धो के साफ कर लिया इनको मैंने। ठीक है एक बंच धनिया का लिया है, ठीक है। 2-3 चम्मच दही लिए, दही मीठी है इसलिए मैंने नींबू का रस लिया 1 चम्मच। अच्छा, अगर दही खट्टी हो तो नींबू का रस हाँ, लेने की जरूरत कोई नहीं है। जरूरत नहीं है, सर्दियां आजकल दही मीठी ही जमती है। ठीक है। और 4 कलियां लहसुन की ली है और 3 मिर्चें मैंने काट के ली हैं। अगर आप हरी मिर्च नहीं खाते तो लाल डाल सकते हैं, लहसुन नहीं खाते तो आप हींग का यूज कर सकते हैं। नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। तो अब मैं इसमें पहले डालूंगी धनिया, मूंगरे डाल दूंगी मैं, और हरी मिर्च और लहसुन डाल दिया है मैंने, दही डाल दी है, और प्लस में नींबू का रस और नमक। नमक आप एक बार ही थोड़ा ही डालें, दोबारा डाल सकता है, ज्यादा हो तो निकालना मुश्किल है, तो एक बार यूज खाते समय आप चख लें और दोबारा डाल लें। तो अब मैं इसको चर्न करने जा रही हूँ, चर्न करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ चटनी कैसी बनती है। चटनी हमारी बन के तैयारी, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसी टाइम आप नमक भी चख सकते हैं, अभी नमक थोड़ा हो तो आप और डाल सकते हैं। अब मैं इसको डिश आउट करने जा रही हूँ। तो ये हरे मूंगरे की चटनी बनके तैयार है, जिसमें हमने लहसुन, हरी मिर्च और नींबू और दही का यूज़ किया है। खाने में टेस्टी है बहुत ज़्यादा, और थोड़ा डिफरेंट हटके चटनी है, क्योंकि अमूमन हम हरे धनिया की चटनी बनाते हैं। तो ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की चटनी है, जिसमें हम मूंगरे का यूज़ कर रहे हैं, जो मूली के साथ, मूली के समय में उगते हैं ये। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और आपको पूरी रेसिपी कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।